जब भी रियल एस्टेट की बात होती है तो सिर्फ घर खरीदारों या बेचने वालों का जिक्र होता है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो भारत में ज़्यादा संख्या घर मालिकों की नहीं बल्कि किराएदारों की है। कभी जॉब के सिलसिले में लोग दूसरे शहरों में बसते हैं तब किराए का घर लेते हैं, वहीं जब मकान 40-50 लाख से महंगे हों तो हर किसी की हैसियत भी नहीं होती इन्हें खरीदने की। ऐसे में किराए के घर में रहना ही एकमात्र चारा, एकमात्र ऑप्शन बचता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। कभी मकान मालिक की चिकचिक, कभी घर छोड़ने की धमकी, तो वक्त बेवक्त किराया बढ़ाने को लेकर झिकझिक। घर किराए पर लेते समय कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसे मानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हाउस रेंट एग्रीमेंट बनवाकर आप इससे कई तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं। ज़्यादातर लोग घर किराए पर मिलने के बाद इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने भी किराए पर घर लिया है तो यहाँ जानने की ज़रूरत है कि होम रेंटल एग्रीमेंट के क्या फ़ायदे हैं। तो होम रेंटल एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा है धोखाधड़ी और जालसाजी से सुरक्षा। किराए पर मकान लेते समय होम रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के बाद किसी भी तरह की धोखाधड़ी और जालसाजी से बचना बहुत आसान है। इसमें केवल किराएदार ही नहीं बल्कि मकान मालिक का भी फायदा जुड़ा है। होम रेंटल एग्रीमेंट बन जाने के बाद मकान मालिक को किराया वसूलना बेहद आसान होता है। होम रेंटल एग्रीमेंट में ही मकान मालिक हर महीने किराएदार से एक निश्चित रकम, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वो वसूल करता है। अगर आप किराए पर रहते हैं तो होम रेंटल एग्रीमेंट आपके पास है तो इसके जरिए टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। ITR फाइल करते समय हाउस रेंटल एग्रीमेंट के आधार पर लाखों रुपए की टैक्स सेविंग कर पाना बेहद आसान है। वैसे मकान किराए पर देना मकान मालिक के लिए भी इतना आसान नहीं होता। कई बार किराएदार मकान पर कब्जा कर लेते हैं, इन्हें बाहर करने के लिए कोर्ट केस तक करना पड़ता है। होम रेंट एग्रीमेंट के बाद किराएदार फ्रॉड तो नहीं है, इसकी भी जाँच आप कर सकते हैं, ये भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा किराएदार घर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को किराए पर घर दिया है और होम रेंटल एग्रीमेंट करवाया है तो आप उस किराएदार को एक निश्चित समय तक ही किराए पर रख सकते हैं। इस समय अवधि के बाद मकान मालिक चाहे तो किराएदार को घर से जाने के लिए कह सकते हैं। आमतौर पर हमारे देश में 11 महीने के लिए लोग रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। वहीं किराएदार के पास भी अचानक घर छोड़ने की धमकी के खिलाफ सुरक्षा देता है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है जब एक ही घर को किराए पर लेने के लिए एक से ज्यादा लोग तैयार हों तो मकान मालिक अपने अनुसार कभी भी किराया बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास होम रेंटल एग्रीमेंट है तो इससे आप आसानी से बच सकते हैं। होम रेंटल एग्रीमेंट के अनुसार तय समय के बाद ही मकान मालिक घर का किराया बढ़ा सकते हैं। तो होम रेंटल एग्रीमेंट बनवाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप मकान मालिक हैं, चाहे आप किराएदार हैं, ये आपके लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही आगे होने वाली झिझक से भी बचाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी नाइट।